बनाए हैं, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम बहुत लंबे समय से अपनी इन 5 सूत्री मांगों के लिए शासन प्रशासन को अपना पूरा ज्ञापन सौंप चुके हैं, पूरा समय दे चुके हैं, पूरा विश्वास और आस्था के साथ हमने सोचा क्या पता ये हमारी इन बातों को मान लें, लेकिन आज मजबूर होकर के हमको वो निर्णय लेना पड़ा जिसकी हमको भी कल्पना नहीं थी, लेकिन मजबूर इतना हो गए हैं कि जब रोजी रोटी और आसियाना छिन जाता है तो आदमी जो है सड़कों पे उतर जाता है, और ये निर्णय लिया गया है कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को जो है यहाँ की सरकार पूर्ण रूप से न सुने। मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेतागण, यहाँ की सरकार गलत फहमी में न रहे कि ये बहुत आसान तरीके से मामला निपट जाएगा। ये मामला आसान तरीके से नहीं निपटेगा। अगर उत्तराखंड सरकार को लगता है बलि में ही ताकत है और किसी की बलि लेकर के ही कोई मांग पूरी हो सकती है, तो मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि हम इसमें भी पीछे नहीं रहेंगे।